कैसे माइनस से प्लस डिवीजन का सिंबल बन जाता है, लेट देम थिंक दैट वे कि यहाँ तो ये माइनस था। बच्चे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, तो ऐसे प्रश्न बच्चे पूछें या उनके मन में चलें तो बेहतर है कि एक पपेट हो जाए। वो पपेट कह रही है कि मैम अभी तो आपने बताया था कि ये लाइन माइनस होती है जिसका मतलब होता है टेक अवे, अब आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे, आप डिवीज़न इसे कैसे बोल रहे हैं। तो वहाँ हमें क्या है, टीचर को समझाने का मौका मिलता है। तो पपेट फिर ये बोले तो उसके बाद सिंबल बोलेगा, टीचर ना भी बोले सिंबल बोलेगा, अरे नहीं बुद्धू मैं तो, मेरे साथ ये लग गया इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ और डिवीज़न का मतलब होता है ये। तो ऐसी चीज़ें टीचर्स टाइम टू टाइम पपेट के माध्यम से बच्चों को रीइन्फोर्स कर सकता है ताकि उनको जो चीज़ें कहानियों में हमने बताई उसको वो एक्चुअल में करने का शुरुआत करें। और वो आप क्लास में दिखा सकते हैं, आप यहीं जो बनवाएंगे आप रादर, यदि पपेट का बना लेते हैं तो जैसे हमने महाराष्ट्र में किया था, आप लोगों ने तो फिल्म मेकिंग किया है, खुद भी किया है सिंपल फिल्म मेकिंग, तो आपने जो पपेट बनाया पपेट के ही शॉट्स एक दो ले लिए और उससे आप एनिमेशन कर सकते हैं, और नहीं भी करें तो ये है और पीछे से आप आवाज़ दे सकते हैं, किसी बच्चे की आवाज़ हो सकती है, आपकी अपनी आवाज़ हो सकती है, एक्सप्लेन करते हुए आप वीडियो बना करके खुद दिखा सकते हैं, जब तक आरआई से आता है उससे पहले भी आप कर सकते हैं, पर कंसेप्ट क्लियर हो, आधा मिनट, एक मिनट, डेढ़ मिनट, दो मिनट, बट इन दैट दिस इज़ टू बी कम्प्लीटेड, कोई भी दो चीज़ें मिक्स ना करें। सो ये यदि चार सिंबल हैं तो हमारे पास चार स्क्रिप्ट हो जाएंगे। फिर मैं देख रही थी आज आपके सामने ये बोतल पड़ी है, छोटी बोतल या बड़ी बोतल, मैं ये देख रही थी इसमें मैथमेटिक्स का इतना सब कुछ है एक बॉटल में, कोई ट्राई करेंगे बताने में, कुछ रहेगा तो मैं ऐड करूँगी, कोई भी बॉटल सबके सामने आप बता सकते हैं क्या इसमें से बच्चों को दिखाया जा सकता है, एकदम बॉटल हाथ में पकड़िए, जस्ट होल्ड इट एंड शेयर। ओके, तो हमने जो है जो सॉलिड ज्योमेट्री है उसके एक तरह से दो हिस्से उनको समझा दिए कि कोन और सिलेंडर इसमें से निकल सकता है। ओके, सेंटर से काटेंगे तो इस ये दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा तो सिमेट्रिकल हो गया। ओके, एक आपने कहा कि इससे फ्रैक्शन भी समझा सकते हैं, पर फ्रैक्शन में आप ले रहे हैं पानी, तो पानी आपने पूरा भरा तो आपने उसको कितने, पहले ये है कि यदि माप भी पता हो, मेज़रमेंट जो आप देते हैं और के कितना इसमें है तो उसे इतने हिस्सों में बांटा, तो एक एक गिलास में आपने डाल दिया तो कितने हिस्सों में आपने इसको कर दिया, तो फ्रैक्शन रीइन्फोर्स। ओके, एरिया एंड वॉल्यूम, या देख रहे हैं हम सारी लाइनें शायद पैरेलल लगी हुई हैं, और यदि ऊपर भी जाता है स्पाइरल में है, स्पाइरल में है बीच में, बाकी नीचे जो है, या हम ऐसे ही पूछें, क्योंकि कई बार मैं तो बड़े बड़े लोगों में देख रही हूँ अपने बच्चे जो हमारे मास्टर डिग्री कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक डिसिप्लिन आर्ट रहा है, एक एजुकेशन, तो जब हम आर्ट में करते थे मैं आपको देख के बता सकती हूँ कि ये लगभग कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच का, यदि बहुत बड़ा है तो आधा इंच का फ़र्क होगा, अदरवाइज इज़ परफेक्ट, समटाइम्स आई हैव सीन इफ़ आई से 6 inches इट इज़ 6 inches, पर जब मेरा बेटा जो मास्टर डिग्री कर रहा है उसे कहे तो वो हैरान होता है, वो कहते हैं मम्मा आप कैसे करते हो, मैंने कहा हम लोगों को एस्टीमेट जो है काम करते करते आया, और हमारी पढ़ाई इस तरह से होती थी, क्राफ्ट होते थे, क्राफ्ट में एस्टीमेट करते थे, हमारे बच्चों ने मैथमेटिक्स में एस्टीमेशन सीखा पर थ्योरेटिकल सीखा, उसका व्यवहारिक रूप कहीं किया नहीं, तो उनका वो इस तरह से भी जो है वो नहीं कर पाते, हम लोग पाँव से चल के बता देते हैं यहाँ कितना फीट होगा। तो ये जो है आप यदि बच्चों से पूछें इसकी लगभग हाइट कितनी होगी, तो लेट देम एस्टिमेट, और सबसे बेहतर होगा एक छोटा कप साथ में रख दिया जाए तो कंपैरिजन भी हो जाएगा कि ये कितना होगा और ये आपको क्या लगता है उससे कितना गुना होगा, या ये इससे कितना हिस्सा छोटा होगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उनके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कंक्रीट के साथ जोड़ती चले जाएंगे और उनकी जो मिसकंसेप्ट्स हैं वो दूर होती जाएंगी और रीइन्फोर्स होती जाएगी लर्निंग। सो मैथमेटिक्स में, पेडागॉजी में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है रीइन्फोर्समेंट। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है, और इसमें बुराई नहीं है,
बच्चे जा रहे हैं घर को, जाते जाते उनको रोक करके आप एक क्वेश्चन ऐसा दे दीजिए जिससे उनको खुजली होती रहे पर वो आज के काम के साथ जुड़ा हुआ हो। घर जाते वक्त यदि पैटर्न देखने को बोल दिया, कल बच्चे शायद सैकड़ों पैटर्न्स आपके पास लेकर के आएंगे और उनमें से आप चूज़ करें आपने किन चार पांच को आज बोलने का मौका देना, किन चार पांच को जाते वक्त बोलने का मौका देना। बट टेल देम दैट आई विल बी लिसनिंग टू एवरीवन, मैंने सबको पूछना है और सिंसियरली सब बच्चों को एक दिन पूरा पूछना है, नहीं तो आगे से वो विश्वास नहीं करते टीचर पर, उसको लगता मैडम बोलती हैं, पूछती तो किसी दो चार से है, जैसे अपन एग्ज़ाम में करते थे ना, 20 प्रश्न हैं, 5 चैप्टर है, किसमें से कितने आ सकते हैं, हम भी तो अपना अप्रॉक्सीमेशन और एस्टिमेशन करते थे हमारे टाइम में कि इसमें से इतने आएंगे तो ये वाला चैप्टर पढ़ लो, ये छोड़ भी देंगे तो भी हमारा पास होने का निकल आएगा। आज का बच्चा तो बेचारा वो भी नहीं कर सकता, उसको तो 99% लाना है और शायद 100%, हम तो 60 पे खुश हो जाते थे। सो आप जो है उनको सबको पूछेंगे और तभी वो बच्चे जाते वक्त ये काम लेके जाएंगे और वो पूछेंगे, घर जाके भी पूछेंगे, किचन में देखेंगे, एंड दे विल मेक नोट ऑफ इट।